2020 की शुरुआत तो हर साल की तरह ही थी। उस दिन 13 मार्च को मेरा जन्मदिन था और मैं मेरे दोस्तों के साथ था। तब उन लोगों ने कहा था कि कल से हमारी स्कूल बंद। तभी मैंने मम्मा को आश्चर्य से कहा था कि यह सच है? तब मम्मा ने कहा था, बेटा स्टेट बोर्ड की सारी स्कूल बंद होगी, लेकिन आपकी स्कूल में से ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है। तभी मैं थोड़ा सा उदास हो गया था। लेकिन फिर उसी शाम मम्मा को मैसेज आया स्कूल की ओर से कि मुख्यमंत्री जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक स्कूल की छुट्टी और पढ़ाई ऑनलाइन चलेगी वर्कशीट के जरिए। ये तो सुनना ही था कि मेरे तो मज़े ही मज़े। और कुछ ही दिनों बाद 23 मार्च को पापा भी घर से काम करेंगे। तो ये सुनते ही मेरे मज़े दुगने हो गए, क्योंकि अब तो पापा भी मस्ती मारने के लिए थे। ऐसे ही पूरा महीना हो गया और मैं जान था उस वक्त के डरावने हालात से कोरोना। इसे हम कुछ ही दिनों पहले मजाक में दोस्तों से बातें करते थे, वो एक खतरनाक रूप लेकर आया था हमारे शहर में भी। उतार चढ़ाव वाला साल काफी कुछ सीख देता गया। सबसे पहले तो इसने परिवार का मूल्य समझाया, आस पड़ोस का महत्व सिखाया, कैसे मुसीबत में एक दूसरे के काम आना है वो समझाया। जीवन में एक रूटीन का होना कितना जरूरी है ये तब पता चला जब हम रूटीन लेस हो चुके थे। सेहत कितना बड़ा वरदान है ये तब जाना जब एक खांसी या जरा सा जुकाम होने पर मम्मा डर जाती थी और फौरन घर का इलाज और दवाई शुरू कर देती थी। खुशी और गम में परिवार का साथ कितना राहत देता है ये तब जाना जब हम रमजान में घर ना जा सके और अकेले ही ईद मनाई। जीवन जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ये लॉकडाउन ने जता दिया। डॉक्टर और पुलिस हमारी हिफाजत के लिए कितनी ज़रूरी है और सब्जी वाले से लेकर गोपी दीदी मम्मा को कितना हेल्प करती है ये कोरोना ने साबित कर दिया। ऑनलाइन स्टडीज़ के जरिए दूर रहकर भी हमारे टीचर्स की मेहनत और लगन से हमने कई नई चीज़ें सीखी पढ़ाई की, और इन सब के लिए मैं तहे दिल से अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनलाइन स्टडीज ने मुझे लैपटॉप का मास्टर बना दिया है, और मैंने मेरे पापा जो खुद एक आईटी इंजीनियर है उन्हें कई शॉर्टकट सिखा दिए। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2020 ने हमें सही मायने में परवाह करने वाला इंसान बना दिया। धन्यवाद।